कब्रिस्तान का विशाल दानव। एक आदमी कब्रिस्तान के बाहर हाथ में डंडा लिए कुर्सी पर झपकी लेते हुए सो रहा था, तभी अचानक से उसके कानों में किसी औरत की आवाज आती है। आपके प्यार में हम सवरने लगे, देख के आपको हम निखरने लगे। अरे ये इतनी सुरीली आवाज में कौन गा रहा है? लगता है कोई सपना देख रहा हूँ, सो जाता हूँ। ये बोलकर वो आदमी फिर सो जाता है, लेकिन तभी वही धुन वही आवाज आती है। आपके प्यार में हम सवरने लगे। ये तो फिर से वही आवाज आ रही है। अब तो मुझे इस कब्रिस्तान के अंदर जाना ही होगा। पता नहीं कौन सी खूबसूरत भला इतनी रात को गाना गा रही है, मैं भी तो देखूं। ये बोलते ही आवाज को सुनकर कब्रिस्तान के अंदर चला जाता है और देखता है, या तो कोई भी नहीं। ये बोलकर आदमी जैसे कब्रिस्तान से बाहर जा रहा होता है कि एक बहुत बाहरी और डरावनी लंबे नाखून वाला हाथ उसके कंधे पर आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आखिर तू छलावे से अंदर आ ही गया, लेकिन अब जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अरे राम राम राम, इतना बड़ा दानव जैसा बड़ा हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, कहीं ये मुझे मार कर न खा ले। क्या सोच रहा है, अपनी मौत को भी पलट कर नहीं देखा तूने, कहाँ जाएगा बचकर। ये सुनते ही वो आदमी मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़े आकार का विशाल दानव होता है, जो दिखने में बेहद डरावना और गंदा सा होता है। ये देखकर उस आदमी की रूह कांप जाती है और वो डर कर कहने लगता है, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं गलती से आ गया था। अगर मैंने तुझे जाने दिया तो मेरे पेट की भूख कौन मिटाएगा? बता, इतना सुरीला गाना गाकर तो मैंने तुझे यहाँ तक बुलाया, अब तुझे छोड़ दूं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। ये बोलते ही वो विशाल दानव उसके सर पर एक पत्थर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब उस आदमी की आंखें खुलती हैं तो उसे जलन सी महसूस होती है, क्योंकि वो एक आग के ऊपर गोल गोल घूम रहा था। वो दानव उसे भून रहा था, तभी चिल्लाते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बहुत जलने जैसा महसूस हो रहा है, छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं तुझे, आज तो मेरी दावत है, दावत, बहुत दिन बाद किसी को ऐसे भून कर खाऊंगा। ये बोलते ही वो विशाल दानव उस आदमी को खा जाता है। उस आदमी के जान पहचान वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन उस आदमी का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ऐसे ही रात के 1:30 बजे कोई आदमी उस कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था। विशाल दानव फिर से अपनी भूख मिटाने के लिए उसे अपनी आवाज से आकर्षित करके उसे पुकारता है, आओ आओ मेरी भूख मिटाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस दानव की आवाज़ सुनकर वो आदमी एक बार सुनकर नज़रअंदाज करता है, लेकिन 2-4 बार दानव की आवाज़ सुनकर वो आदमी खींचा चला आता है और कहता है, ये मैं यहाँ कैसे अपने आप आ गया, मैं तो उस रास्ते पर चल रहा था, वापस जाता हूँ। जैसे ही वो वापस जाता है, कब्रिस्तान के दरवाजे खुद झट से बंद हो जाते हैं। तभी वे विशाल दानव आकर कहता है, अरे तुम मुझसे मिले बिना कैसे जा रहे हो। जैसे ही वो आदमी मुड़ता है तो अपने सामने एक विशाल दानव को देखता है, जिसे देखकर वो बेहद डर जाता है। आ, 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 बचाओ, कोई बचाओ, यहाँ कोई आदमखोर दानव है, कोई बचाओ, अरे खोलो खोलो खोलो। तू यहाँ से जाने की कितनी भी कोशिश कर ले, तेरा यहाँ से निकल पाना नामुमकिन है। देखो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मुझे भगवान के लिए बख्श दो, मैं मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, बहुत टाइम से यहाँ कोई नहीं आया है और मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए तुझ जैसे आदमी की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। वो विशाल दानव उस आदमी को भी उसी तरह एक लकड़ी से बांध देता है, जिसके बाद वो उसे जिंदा भून कर खाता है। इतने में ही उस आदमी की मौत हो जाती है। ऐसे ही हर रात वो विशाल दानव किसी न किसी को अपनी आवाज से उस कब्रिस्तान में बुलाया करता था और फिर रातों रात खा जाता।
किसी को उसके ऐसा करने की भनक भी नहीं लगती थी। कब्रिस्तान के पास दो ही लड़के गुजर रहे थे, तभी उस विशाल दानव की आकर्षित आवाज एक लड़के के कान में पड़ती है, जिसे सुनते ही वो अचानक से रुक जाता है। और तभी उसका दोस्त वीरेन कहता है, अरे दिपेश रुक क्यों गया, चल ना, कब्रिस्तान के पास क्यों रुका है? आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ, मेरे पास आओ और मेरी भूख मिटाओ, तुम्हें मेरा खाना बनना ही होगा। तुझे कुछ सुनाई दे भी रहा है दीपेश या नहीं? दीपेश को वीरेन की कोई बात सुनाई नहीं दी थी, क्योंकि अब वो उस दानव के आगोश में था और चलते चलते कब्रिस्तान में चला जाता है। वीरेन भी उसे वहीं छोड़ देता है और वो भी उसके पीछे पीछे कब्रिस्तान में चला जाता है, जो कि बहुत डर कर कहता है, दीपेश तू पागल है क्या, इतनी रात को यहाँ चल, यहाँ से आगे चल। अरे ये मैं यहाँ कैसे आ गया, तू पागल है क्या वीरेन, यहाँ क्यों लाया मुझे, खुद आया है तू यहाँ, बहुत देर से मैं तुझे कह रहा हूँ चल चल चल, लेकिन तूने मेरी बात ही नहीं सुनी। आज तो मेरी शाही दावत होगी, क्योंकि मेरी आवाज सुनकर तेरा दोस्त भी चला आया, अब तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकते, मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही वो विशाल दानव उसे मारने के लिए आगे आता है, तभी डटकर दोनों अपनी आंखें बंद करके कहते हैं, नहीं प्लीज प्लीज हमें छोड़ दो, हम मरना नहीं चाहते हैं, हमें छोड़ दो, हमें अपना खाना मत बनाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, पर इसकी तो अभी अभी शादी हुई है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हम दोनों को छोड़ दो, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। जैसे ही वो दानव दीपेश की बात सुनता है तो उसे छोड़ देता है, और तभी उसका उदास चेहरा देखकर दीपेश कहता है, क्या हुआ, तुम किस बात से बहुत परेशान हो? परेशान नहीं, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई, वो भी मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन गांव वालों ने मुझे मार डाला। मार डाला कैसे? कुछ महीने पहले की बात है, मैं रामकिशोर बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करता था और अपनी पत्नी के साथ रहता था, लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य था। ऐसे ही एक दिन गांव में बहुत बड़ी चोरी हुई, इसका इल्जाम गांव के लोगों ने मुझ पर लगा दिया, क्योंकि मैं लोगों का भला करता था। गांव के सरपंच लोग भी मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो चुराए हुए पैसे किसी ने मेरे घर में ही रखवा दिए थे। मैंने उन्हें बहुत चीख चीख कर कहा, साहब मैंने नहीं लिया, तभी उन्होंने कहा, अच्छा तो लोगों की मदद तो इन चोरी के पैसों से ही करता है ना, तभी तो तेरे घर में ये पैसे पाए। आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं ईमानदारी के पैसों से ही सबकी मदद करता हूँ। बस बहुत हो गया, हमें हमारे गांव में ऐसा चोरी करके भला करने वाला इंसान नहीं चाहिए, जाओ मैं आदेश देता हूँ इस आदमी को जिंदा कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाए। सरपंच जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया। रामकिशोर चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और कब्रिस्तान में उसे जिंदा गड़वा देता है। जिसके बाद मैं एक विशाल दानव बन गया और अपनी भूख मिटाने के लिए मैंने लोगों को जिंदा मारकर खाना शुरू कर दिया। देखो तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, और मैं इंसाफ दिलाने के लिए मैं गाँव में सरपंच से बात करूँगा। वैसे तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी पत्नी को खबर देकर कहना मैं उसे बहुत याद और प्रेम करता हूँ। दीपेश और वीरेन उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी को उसका संदेशा दे देते हैं और गांव में रामकिशोर के बारे में समझा कर उसे निर्दोष साबित करते हैं, फिर उसके शरीर का दाह संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद सब ठीक हो जाता है।